फ्रेंड नमस्कार, बेस्ट ग्रीन गार्डन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरा बोगनवेलिया का प्लांट बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहा है। फ्रेंड ये मैंने कटिंग से लगाया था, बोगनवेलिया की कटिंग ग्रो की जा सकती है, आसानी से ग्रो हो जाती है, बस थोड़ा टाइम लगता है इसको ग्रो होने में। ये मैंने बारिश में लगाई थी फ्रेंड, और ये मेरा आम का प्लांट, ये भी बारिश में बीज से ही निकला था। तो फ्रेंड ये मेरा बोगनवेलिया काफ़ी अच्छी तरह से चलने लग गया। वैसे तो ये एक बेल होती है, तो मैंने इसमें एक स्टिक लगा दी, ये बांस की सपोर्ट लगाया मैंने इसके अंदर, इससे काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है। फ्रेंड इसकी पत्तियाँ ही इसके फूल होते हैं। ये इसके पत्तियों जैसे फूल होते हैं, पर कलरफुल होने के कारण ये बहुत ही सुंदर लगता है। और ये मेरा मनी प्लांट, ये भी काफ़ी अच्छी तरह सर्वाइव कर रहा है। तो फ्रेंड आप भी इसी तरीके से लगा सकते हो बोगनवेलिया, और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके प्लांट और फ्लावर। ये बहुत सारे कलरों में आती है, येलो, वाइट, पिंक, रेड। और मैंने कुछ इसकी कटिंग भी लगाई है, जो भी दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको। ये इसकी कुछ कटिंग्स जो मैंने अभी लगाई है हाल ही में। तो फ्रेंड आप भी लगा सकते हो इस तरह के प्लांट। जो मैंने कटिंग लगाई है वो अलग अलग कलरों के हिसाब से। और फ्रेंड इस पर ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसमें मिट्टी में इसकी मिट्टी कंपोस्ट और मिट्टी जो नॉर्मल सॉइल साधारण मिट्टी आती है जो है खेतों की। और कंपोस्ट का यूज किया है मैंने, गोबर की खाद का ही। और आप इसके फ्लावर्स देख सकते हो, इसके बंच देख सकते हो, फ्लावर के बंच।
तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।